वो धन्य देश की माटी है जिसमें भामाशाह लाल पला, उस दानवीर की यश गाथा को मिटा सका क्या काल भला। जय हो जय भामाशाह, दानवीर जय भामाशाह, हिंद का गौरव भामाशाह, अजर अमर जय भामाशाह। सुनो दानी की ये गाथा जो सबसे वीर निराला था, महाजन वंश का वो लाल बड़ा ही हिम्मत वाला था, कि अपना सब कुछ देकर उसने जो में पार संभाला था। ये धन्य हिंद की माटी है जिसने आज पूरा मेवाड़ इसलिए हर्षित है कि मेवाड़ के उद्धारक वीरवर दानवीर भामाशाह की 400 ज्ञान जयंती का अवसर पर महाविवाह प्रतिवर्ष की भांति चतुर्थ रैली और नवम सम्मान समारोह आयोजित करने जा रहा है। इस रैली में उदयपुर शहर के सर समाज के सभी प्रतिनिधि पदाधिकारी उपस्थित हैं, जो दोपहिया वाहन रैली के साथ चल रहे हैं। साथ में अश्वर पदाधिकारी अश्वर प्रदान करेंगे। इसी साथ में जो भारतीय जो हम सब सुन रहे हैं वो देशभक्ति गीतों के साथ आगे चलने वाला है। यहाँ उपस्थित सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी प्रतिवर्ष भामाशाह की इस जयंती पर हमारे साथ शरीक होते हैं, और बाद में अतिक्रमण सर्कल पर जो स्थित भामाशाह मूर्ति है उस पर सबका अभिनंदन समारोह भी किया जाता है। मुझे खुशी है कि सर समाज के सभी प्रतिनिधि प्रतिवर्ष जोश और उमंग के साथ इस भामाशाह जयंती के समारोह में भाग लेते हैं। इस आशा और अपेक्षा के साथ महाविवाह जिसको सतत कार्यक्रम को आयोजित करता है कि भामाशाह की वृत्ति जीवंत रहे और व्यक्ति अपने अर्जन में से कुछ विसर्जन करने का भाव समय संकट पर भी वीरवर दानवीर भामाशाह की तरह स्वयं आगे बढ़कर अरावल दस्ते के रूप में भी आगे का नेतृत्व करें। और इसीलिए आज आप देख रहे हैं कि सभी बंधु वही रैली में आगे चलने वाले हैं, और रैली को एक नया संदेश शहर में देने वाले हैं। झांकियाँ जो बनाई गई है उन झांकियों में वर्तमान की जो कुछ कुरीतियाँ उसके खिलाफ हम क्या कर सकते हैं उसका आह्वान किया गया है। भामाशाह के जीवन व्यक्तित्व यह झांकी आगे साथ में चलने वाली है। भामाशाह की रैली आयोजित की जा रही है, इसमें सभी समाज के बंधुओं ने भाग ले रहे हैं, उनको भामाशाह जयंती के उपलक्ष्य में हम शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। धर्म जला, ओ हो हो हो।
देश की माटी है जिसमें भामाशाह लाल पला, उस दानवीर की यश गाथा को मिटा सका क्या काल वाला। जय हो जय हो जय भामाशाह, दानवीर जय भामाशाह, हिंद का गौरव भामाशाह, अजर अमर जय भामाशाह। सुनो दानी की ये गाथा, सबसे वीर निराला था, महाजन वंश का वो लाल बड़ा ही हिम्मत वाला था, कि अपना सब कुछ देकर उसने जो में वार संभाला था। ये धन्य हिंद की माटी है जिसने भामा पाला था। जय भामाशाह, दानवीर जय भामाशाह, हिंद का गौरव भामाशाह।
पहाड़ में गाते थे। पिता भारमल भी भामा को देख भूले न समाते थे। देशभक्ति की थे मिसाल, वो मेवाड़ की शान थे। महाराणा जी के वो दोस्त और उनका अभिमान थे। न इस जग में भामा शाह सा कोई दान कहीं होगा, न मन ऐसे महादानी को जिसको युग न भूलेगा। सुनो दानी की ये गाथा, जो सबसे वीर निराला था। महाजन वंश का वो लाल बड़ा ही हिम्मत वाला था। सर्वप्रथम आशा जयंती के उपलक्ष्य में महावीरम मंच द्वारा आयोजित इस प्रोग्राम में पधारे, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से महावीरम मंच की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। जय महावीर। जय गुलाजी साहब। मंच पर आसी उदयपुर शहर के नामचीन शिक्षाविद, समाज सेवी और विभिन्न क्षेत्रों में भी निरंतर अनवरत अपनी सेवाएं दे रहे ऐसे सभी श्रेष्ठ समाज बंधु रैली में पधारे हुए सर्व समाज के सभी पदाधिकारी बंधु बहनों का मैं भामाशाह जयंती के इस अवसर पर महावीर युवा मंच की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। कुछ बंधुओं से निवेदन है, यहाँ खड़े पीछे की ओर आ जाए, स्तंभित हुई निरंतर ये नवा वर्ष जब महावीर युवा मंच को यहाँ पर समारोह करने का अवसर प्राप्त हुआ है। हमने प्रारंभ से ये प्रयास किया कि भामा साहब के व्यक्तित्व और कृतित्व के अनुरूप आपने देखा कि प्रताप जयंती के अवसर पर मेवाड़ क्षेत्रीय महासभा के तत्वावधान में लगातार 15-20 वर्षों और आज एक श्रेष्ठम रैली और शोभा यात्रा के रूप में हम सब मना रहे हैं। और विगत 3-4 वर्ष से बड़ी सहद्री मित्र मंडल द्वारा भी जाला मन्ना के यहाँ समारोह कार्यक्रम, यानी कि हरावल दस्ते के जो अभिन्न अभिन्न साथी रहे, उन सब जन्म और निर्वाण दिवस पर यह सर्वश्रेष्ठ समाज ये प्रयास करता है कि अपनी ये धरोहर अगली पीढ़ी को समर्पित विभिन्न जांचों के माध्यम से टाउन हॉल से प्रारंभ करके भामा साहब आदिपोल पर आते हैं और इसमें आप सभी समाजजन बंधु विभिन्न जनप्रतिनिधि पदाधिकारी पधार कर जो उत्साह और उमंग और यह वातावरण निर्मित करते हैं उनका मंच की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं इस अवसर पर हमारे मंच पर विराजमान सभी श्रेष्ठ जन जिनका सनेदी जी बाणावत अध्यक्ष ने परिचय कराया, आमंत्रित किया, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। और मुझे विश्वास है कि हमारे यहाँ दो उत्कुलपति महोदय समाज के लिए एक रोल मॉडल है, पूर्व महापौर रजनी जी जिनके सहयोग यहाँ प्राप्त हुआ जी हमारे बीच में, जिन्होंने लगातार प्रताप जयंती बनाने के लिए प्रेम सिंह जी, दिलीप सिंह जी और राजन सिंह जी जो प्रयास किए और एक श्रेष्ठतम मुकाम तक लेके आए हैं, वो मंच पर आशीन है आदरणीय दिनेश जी भाई साहब, फूल सिंह जी आदि सभी समाज के बंधु भी यहाँ उपस्थित हैं। मुझे इस बात का बहुत हमारे लोकप्रिय गृह मंत्री माननीय गुलाब जी भाई साहब, सम्मानित मंच और शहर के सिद्ध प्रभु जन, आप सभी को सादर वंदन। निश्चित रूप से आज का अहम हिस्सा है इस राष्ट्र के लिए, क्योंकि जहाँ स्वतंत्रता की बात होती है, संविधान की बात होती है, वो निश्चित रूप से महाराणा प्रताप का एक ऐसा युग रहा है जो हम सभी के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। भामाशाह न केवल एक दानवीर थे बल्कि एक कुशल प्रशासक, योद्धा, और वो
युद्ध में राणा प्रताप के साथ कंधे से कंधे मिला के साथ रहे थे। यदि हम दीवर के युद्ध की बात करें तो निश्चित रूप से दीवर के युद्ध की विजय में भामाशाह का बहुत बड़ा हाथ रहा है। भामाशाह ने मालवा के युद्ध भी जीते और 20,000 से ज़्यादा स्वर्ण मुद्राएं वहाँ से उन्होंने लाए थे, और राणा प्रताप को जो उन्होंने दान दिया था वो निश्चित रूप से उनकी सेनाओं के लिए 12 वर्ष तक वो काम आया। 20,000 स्वर्ण मुद्राएं, 25,00,000 से ज़्यादा अधिक मुद्राएं। भामाशाह निश्चित रूप से एक समाज के लिए एक हम प्रेरणादायक हैं, और हम आशा करते हैं कि आज भी हमारे समाज में ऐसे भामाशाह पैदा हुए हैं और हमेशा समय समय पर इस तरह से दानवीर करते रहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। आदरणीय मंच, इस कार्यक्रम में सम्मिलित सभी भाइयों और बहनों, ये मेवाड़ धरा का सौभाग्य है, यहाँ ऐसे शूरवीर पैदा हुए हैं जिनके कारण से हम लोग कहीं भी जाते हैं दुनिया में, और जैसे ये नाम लेते हैं कि हम मेवाड़ के हैं, लोग आयास हमको समझते हैं कि हम, उसके मन में एक ऐसा भाव पैदा होता है कि वास्तव में ये धरती बहुत ही भाग्यशाली है जिसने ऐसे एक नहीं अनेक सपूतों को जन्म दिया है। ईमानदारी से अगर हम इन सब की जानकारी अपन आने वाली पीढ़ी को निरंतर अगर देते रहें तो हर व्यक्ति को जिंदगी क्यों है और जिंदगी का जीने का फायदा क्या है, जिंदगी सफल किसकी होती है, इसका भाव पैदा होता है, जिसके कारण से उसका नहीं उस स्थान का भी एक तरह से मान और सम्मान बढ़ता है। मैं सोचता हूँ कि मेवाड़ का इतिहास जब से प्रारंभ हुआ है, अभी आपने बापारावल में जिस मूर्ति की स्थापना हुई है, अब आप अगर जाएंगे तो वहाँ इतनी भव्य घोड़े पर शायद पहली स्टैचू होगी, जिस स्टैचू को अभी हमने राजस्थान सरकार की तरफ, और ये पहला राजा है जिसने अपनी तलवार का धार से कंधार तक विजय करके जिसने हासिल की थी, केवल व्यक्ति नहीं यहाँ तक कि अपने हाथों स्त्रियों ने भी जिस प्रकार का जौहर दिखाया है, दुनिया सारा इतिहास पढ़ लो लेकिन इस मेवाड़ के इतिहास में महिलाओं ने जिस प्रकार की कुर्बानी दी है, मैं सोचता हूँ पन्ना धाय से लेकर के जिस भी बात चले जाओ, उसी प्रकार का एक व्यक्ति जो उसके आज अपन ये जन्मदिन मना रहे हैं, भामाशाह। भामाशाह केवल भामाशाह ही नहीं था, युद्ध कौशल का भी प्रवीण था, है ना। केवल ऐसा नहीं कि जो धन कमाया वही रख दिया, है ना, एक तरह से युद्ध के मैदान में भी उतर करके अपने तलवार के वार से शत्रु का मुकाबला भी किया, शत्रु को परास्त करने के लिए जो कुछ भी प्रयत्न वो किया, लेकिन जब महाराणा सैन्य शक्ति की दृष्टि से जब थक गए थे, ये काम की क्या है? अगर ये वास्तव में इस महाराणा प्रताप को सेना और सेना को सजा करके शत्रु से मुकाबला करने में काम नहीं आए तो मेरे इस पैसे का उपयोग क्या? और इसलिए न तो महाराणा को पता था कि कोई ऐसी चीज़ होने वाली है, न किसी को बताया, सीधा ही महाराणा के चरणों में ले जा करके सारे सोने की अर्थुरिया जितनी उसकी पीढ़ियों ने कमाई होगी वो, और उसके साथ ही आपने देखा 25,00,000 उस जमाने के, वो सारा का सारा ले जाकर जब रख दिया तो महाराणा का ये क्या कर रहे हो तुम, हजूर और कुछ नहीं है, अगर मेवाड़ की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाला ये बहादुर अगर नहीं रहा और ये जिस प्रकार का व्यक्तित्व है, अगर ये सेना को इकट्ठा करके इन शत्रुओं से मुकाबला नहीं करता रहा तो मेरे धन का उपयोग क्या है, तो मट्टी है। मैं समझता हूँ इससे अच्छा उपयोग मेरे धन का क्या हो सकता है कि एक देश की स्वाधीनता के लिए, आज़ादी के संघर्ष के लिए, अपने मूल्यों की रक्षा के लिए और धर्म के इस रक्षा के लिए जिस प्रकार का संघर्ष आप जैसा व्यक्ति जंगल जंगल भटक के कर रहा है, और उसकी आज अगर स्थिति सैन्य शक्ति को संभालने के लिए कोई साधन नहीं है, तो मेरे ये जो पुरखों ने कमाया धन है
वो पुरुषों का ध्यान अगर इस श्रेष्ठ काम में आए तो इससे मैं बड़ा भाग्यशाली क्या हो सकता हूँ। तो वास्तव में यह जो दान की पराकाष्ठा थी, यानी दान के भी कई प्रकार के लोगों ने दान किए होंगे, लेकिन ये दान की पराकाष्ठा थी, सारी संपत्ति उनके चरणों में रखकर ये कहा कि आप इस युद्ध को जारी रखो। एक तरफ तलवार लेकर के मैदान में लड़ रहा है, दूसरी तरफ जो भी धन इकट्ठा हुआ वो सारा समर्पित करके आजादी के जंग को आगे लड़ने के लिए उनकी मजबूती थी। इस प्रकार के दान के कारण से भामाशाह का यह दान आज सारे देश में और दुनिया में जो कोई भी दान करता है, छोटा मोटा कोई प्याऊ भी लगाता है तो भी अपन उसका सम्मान करते हैं, तो कहते हैं आप बहुत बड़े भामाशाह हो। चाहे कोई छोटा से छोटा काम भी करता है, किसी स्कूल में मान लो 20 कुर्सियां भी देता है, तब उसका सम्मान करते हैं कि ये इस विद्यालय में 20 कुर्सियां दी भामाशाह, और सीख करके अपने जीवन को भी इसी और आगे बढ़ाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। वीर व महाराणा प्रताप के अनन्य सहयोगी भामाशाह त्याग बलिदान की मूर्ति दानवीर के भामाशाह के बारे में विचार व्यक्त किए हमारे भाई साहब ने। अब मैं हमारे मंच के अध्यक्ष श्रीमान स्नेहदीप जी बाणावत से निवेदन करता हूं कि गुलाब जी भाई साहब का स्वागत करें। हमारे बीच में आज उदयपुर शहर के जैन समाज के अतिरिक्त भी जो समाज निरंतर हमारा सहयोग देते हैं, रैली में पधारते हैं, मेवाड़ क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारी, पटनागर महासभा, जैन समाज के, सिंधी समाज, मोची समाज, परिहार समाज, लोकतंत्र सेनानी परिवार पूरा, खटीक समाज, वैष्णव समाज, हमारे पटेल समाज, महेशी समाज, ब्राह्मण समाज, दासम समाज, साथ में सिख समाज, हम सब पंचासी नचेती और आप सब महाराणा प्रताप के अनन्य साथी भामाशाह की मूर्ति पर हमारे अतिथि पहले माल्यार्पण पुष्पांजलि करेंगे, हम सब करेंगे, और साथ में एक ग्रुप फोटो के बाद राष्ट्रगान के साथ हमारा समारोह संपन्न होगा। मेरा आप सब से निवेदन है कि जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, अरे उनका भी आना है, आगे पीछे अगर आराम से खड़े रोक आराम से भी फोटो लेंगे हम। अभी राष्ट्रगान करेंगे, पीछे जो बंधु खड़े हैं वो भी जाते हैं, दो मिनट के लिए रोक ले, एक मिनट। मनोज जी, भारत माता की जन गण मन अधिनायक जय, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जल तित आए तब जय। महाराणा प्रताप के अनन्य सहयोगी दानवीर वीर महावीर युवा मंच की ओर से मैं नीरज सिंह जी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आप सभी का यहां पर बधाने के लिए हार्दिक आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय महावीर, जय भारत। मेवाड़ की धरती प्रभु ने धन से बनाई है कि हाँ ऐसे सुरमा पैदा हुए हैं, अगर उन सबके नाम रहे तो बहुत लंबी फैलिंग बनी। इन्हें एक तरह से बापारा से लेकर के यहाँ एक बहुत लंबा इतिहास है, लेकिन प्रताप का एक विशेष प्रकार का इतिहास है। प्रताप और प्रताप के सहयोगियों ने, और वो भी बहुत लंबा साल नहीं हुआ, 400-450 साल, तो उस साल के तो अभी भी हमारे आज भी जिंदे होंगे, इसका मतलब 400 साल से बहुत लंबा कालखंड नहीं है। इस
प्रकार का व्यक्तित्व इस धरती पर हुआ जिसने एक तरह से मूल्यों की और धर्म की रक्षा के लिए जिस प्रकार का संघर्ष किया, उसमें भामा शाह भी उसके सहयोगी के रूप में। भामा शाह केवल दानदाता ही नहीं था, भामा शाह तलवार का भी उतना ही था और प्रताप की सेना में एक सेनापति। जब देखा कि महाराणा आर्थिक दृष्टि से कमजोर हुए युद्ध के संचालन में, उस व्यक्ति के मन में आया कि मेरे पास और मेरे पुरुषों का कमाया हुआ धन क्या काम का, अगर इस मेवाड़ की स्वाधीनता के लिए और इस प्रकार के लिए अगर प्रताप को ताकत नहीं दे पाऊंगा तो क्या फायदा। उसने अपनी सारी संपत्ति जो भी थी आकर के उनके चरणों में समर्पित कर दी, जिससे 12 साल तक युद्ध संचालन जो है वो प्रताप आसानी से कर सका और यहाँ से अकबर को मुंह की खाकर लौटना पड़ा।